बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उरूज और आप देख रहे हैं डेली रेसिपी विद उरूज। तो आज हम बनाएंगे तिल गुड़, या जिसे सेसमी जैगरी भी कह सकते हैं। सर्दियों का सीजन है और सर्दियों में तिल हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तिल को रोस्ट करेंगे। 2 ग्लास मैंने तिल ली है जिसे अच्छे से साफ कर लिया है। 1 ग्लास से तिल की मेजरमेंट करते हुए मैंने 2 ग्लास तिल लिए हैं। तिल लेते हुए आपने उसे अच्छे से साफ करना है क्योंकि तिल के अंदर समटाइम्स छोटी छोटी मिट्टी होती है। तो चलिए मीडियम फ्लेम पे हम तिल को रोस्ट कर लेंगे। ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट तक मैंने तिल को रोस्ट किया है। तिल का कलर चेंज हो गया है और साथ खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसे एक सेपरेट प्लेट या ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई के अंदर पानी ऐड करेंगे। जिस ग्लास से हमने तिल की मेजरमेंट की थी उसी ग्लास को लेके मैंने 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है। पानी के अंदर 1/2 किलो गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया था ताकि इसकी पानी के साथ मिक्सिंग अच्छे से और जल्दी हो जाए। गुड़ और पानी का हमने एक अच्छा सा शीरा बना लेना है। गुड़ पानी के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो चुका है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। गुड़ पानी के साथ अच्छे से डिजोल्व हो जाए तो इस स्टेज पे आके हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। आप कुकिंग ऑयल की जगह पे घी भी यूज कर सकते हैं। ये वही नॉर्मल घी है जो घर में हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक प्रॉपर शीरा बनाएंगे। ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट लगे हैं शीरा प्रॉपर प्रिपेयर होने में। शीरा प्रिपेयर होने का साइन ये है जब आप इसे चमचे में लेके दोबारा से डालें तो एक प्रॉपर धार बने। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर शीरा रेडी हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डालने हैं रोस्टेड सेसमी। सेसमी या तिल ऐड करते हुए आपने प्रॉपर मिक्सिंग भी साथ साथ करनी है। एक हाथ से हम सेसमी ऐड करेंगे और दूसरे हाथ से हम प्रॉपर चमचा चलाएंगे। सेसमी को हमने एक साथ सारा नहीं डालना। दोबारा से 4 to 5 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया है और शीरा और सेसमी की एक अच्छी सी बॉन्डिंग प्रिपेयर हो गई है। बॉन्डिंग का अंदाजा आप चमचे में लेके भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप एक प्लेट के अंदर ले। ठंडा होने के बाद अगर वो फ्लोर नहीं कर रहा तो आपका तिल गुड़ रेडी है। एक ट्रे लेंगे और ऑयल की हेल्प से हम पहले उसे ग्रीस कर लेंगे। ये भी सेम वही कुकिंग ऑयल है जो हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। ग्रीसिंग से ये होगा कि तिल गुड़ ट्रे के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा और ठंडा करने के बाद ट्रे से निकालने में इजी रहेगा। ट्रे की वॉल्स को भी अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके अंदर पोर करेंगे तिल गुड़। कढ़ाई के अंदर अच्छे से निकाल लेंगे और चमचे की हेल्प से इक्वल कर लेंगे। पांच मिनट तक स्टे देंगे ताकि हवा लगने की वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और फिर नाइफ ब्लेडर या सिंपल छुरी जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसकी हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। कट आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, आपको जो शेप देनी हो। मैं क्यूबिक शेप में कट कर रही हूँ, आप रेक्टेंगुलर, पेंटागॉन, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है बच्चों के लिए तो वो वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। कट करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अगर आपने इस स्टेज पे डिस्टर्ब किया तो शेप खराब हो सकती है। तो ठंडा करने के बाद हम इसकी शेप्स को सेपरेट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा करने के बाद मैंने सारी शेप्स को निकाल लिया है और निकालते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप नाइफ की हेल्प से भी इसे निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा केयरफुल होकर। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा और अगर आप एक्सपर्ट हैं देन वेल एंड गुड। बच्चों को जो शेप पसंद है आप उस शेप में भी कट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।